क्योंकि चितवावन ब्राह्मण जात से आते थे। इनकी पुत्री का जन्म जिसका नाम इन्होंने रमा डोंगरी रखा। समय के जो रूढ़िवादी ब्राह्मण है उन्होंने शास्त्री जी द्वारा अपनी पत्नी लक्ष्मी की शिक्षा का क्या किया, विरोध किया, क्योंकि उस पत्नी को शिक्षा कैसे दे सकते हो, या तो हमारी अपनी बेटी रमाबाई को भी संस्कृत शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। रमाबाई 16 साल की उम्र में अनाथ हो गई। उनके माता हर में जाती थी और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समझाने लगी पहुंच गई और वहां के पंडितों ने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। पंडिता और सरस्वती उपाधियां प्रदान की गई। इसी के बाद सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पे महिलाएं और पुरुष दोनों को ही शिक्षा और विभिन्न कर्मकांडों में भाग लेने का समान अधिकार था। लोग पितृसत्तात्मक समाज में, रूढ़िवादी समाज में लोग मजबूर हो गए, उनको यह सम्मान देना चाहिए। सोचकर करारा तमाचा था, जो यह सोचते थे कि महिलाओं को शिक्षा और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं है। अभी बाल विवाह कर देते और उनको शिक्षा नहीं प्रदान करते, पैसा तो था नहीं। प्रारंभिक जीवन में जो बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए उस समय के जो थे, जैसे केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद जी ने भी इनको सहयोग प्रदान। प्रारंभिक जीवन में ही रमाबाई को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जैसे स्वस्थ रहना सबसे महत्वपूर्ण है, और सब चुनौतियों ने ही उनके जीवन को आधार प्रदान किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला की बात करने जा रहे हैं जिसने सभी सामाजिक और धार्मिक बेड़ियों को तोड़कर उस समय की भारतीय महिलाओं और विश्व की अन्य महिलाओं के जीवन को नई दिशा दिखाने का कार्य किया। तो यह कहानी शुरू होती है मैसूर रियासत के निवासी मराठी भाषी अनंत शास्त्री डोंगरे जी से, जो कि चितवावन ब्राह्मण जात से आते थे। इनका विवाह 9 वर्ष की लक्ष्मी के साथ हुआ। उस समय पश्चात दिनांक 23 अप्रैल 1858 को इनके घर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम इन्होंने रमा डोंगरे रखा। अनंत शास्त्री जी संस्कृत के और पुराणों के विद्वान होने के साथ ही महिला उनकी शिक्षा के भी समर्थक थे। अनंत शास्त्री जी जीवन यापन करने के लिए अपने परिवार के साथ भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करते और इन धार्मिक स्थलों पर पुराणों की व्याख्या करते थे। अब यहाँ पे परिवार शब्द जो प्रयोग किया गया है, यह इसमें अनंत शास्त्री जी, उनकी पत्नी लक्ष्मी, उनकी बेटी रमा और उनका एक पुत्र सम्मिलित था। परिवार, इस परिवार शब्द को यहाँ पे जिस तरह प्रयोग किया गया है, आगे भी एक परिवार शब्द आएगा, उसका अलग मतलब है, उसको वहां पे बताया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो आगे कहानी देखते हैं। महिला शिक्षा के समर्थक शास्त्री जी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को संस्कृत शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे लक्ष्मी संस्कृत में इतनी निपुण हो गई कि वह युवा लड़कों को संस्कृत सिखाने लगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक शब्द युवा लड़कों को शिक्षा देने की बात की गई है। तब उस समय की सामाजिक स्थिति को आप ध्यान में रखिए, तो आप जानते होंगे या आपको मैं बता रहा हूँ कि उस समय पे महिला शिक्षा को लेकर के महिलाओं को शिक्षा के लिए उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। हर वर्ग के लोग जो है, ज्यादातर जो लड़के हैं उनके शिक्षा पर बल देते थे। तो अब जैसे कि यह ब्राह्मण जात से आते हैं, तो उस समय के ब्राह्मण लोग भी ज्यादातर महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए समर्थन नहीं करते थे। तो आगे कहानी पे ध्यान देते हैं। तो उस समय के जो रूढ़िवादी ब्राह्मण हैं उन्होंने शास्त्री जी द्वारा अपनी पत्नी लक्ष्मी की शिक्षा का क्या किया, विरोध किया, क्योंकि उस समय ज्यादातर महिला शिक्षा का विरोध ही करते थे। साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने भी विरोध किया। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे आगे जो परिवार शब्द आएगा वह उसका अलग मतलब है। यहाँ पे जो परिवार है, मतलब जो और जो संबंधी होते हैं, जैसे बड़े पिताजी हो गए, चाचा जी हो गए, या अन्य जो रिलेटिव्स हैं, फूफा आदि, तो ये भी परिवार के ही माने जाते हैं। तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया शास्त्री जी का कि तुम अपनी पत्नी को शिक्षा कैसे दे सकते हो, यह तो हमारी सामाजिक रूढ़ियां जो है, सामाजिक परंपरा है, उसका जो है खंडन कर रहे हो। तो शास्त्री जी ने अपने परिवार को क्या किया, दूसरी जगह क्या किया, विस्थापित कर लिया, जिससे कि ये सारी समस्याएं जो खत्म हो जाए जो है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे क्या है, इसके पश्चात जो है शास्त्री जी अपनी बेटी रमाबाई को भी संस्कृत शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। रमाबाई विभिन्न धार्मिक स्थलों पर अपने पिताजी के व्याख्यानों को सुन सुनकर लोगों के बीच बोलने का भी उसके अंदर क्या होता है, गुण विकसित हो जाता है, जो समय के उस समय के हिसाब से बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय पर महिलाओं को ज्यादातर परंपराओं के बीच में ही बांध के रखा जाता था और सार्वजनिक स्थान पर बोलने का, शिक्षा लेने का, यह सब बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया था। तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी कि रमाबाई जो है
उस समय पर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और सार्वजनिक स्थलों पर बोल रही हैं। अब आगे सन 1876 और 78 के समय में भीषण अकाल पड़ता है। उसके दौरान जो है रमाबाई 16 साल की उम्र में अनाथ हो गई, उनके माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है। इसके बाद वह अपने भाई श्रीनिवास के साथ अपने परिवार की जो परंपरा थी उसके अनुसार देश में यात्रा करती हैं, और जैसे उनके पिताजी संस्कृत धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते थे वैसे ही वो भी करने लगती हैं जीवन यापन करने के लिए। रमाबाई वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के सम्मुख व्याख्या करने में सहज थी, किंतु उस समय की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि महिलाएं जो है सार्वजनिक स्थल में न तो आती थी और न ही उनको बोलने दिया जाता था। तो कभी कभी रमाबाई घर में जाती थी और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समझाने लगी कि जैसे मैं शिक्षा प्राप्त की हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो वैसे ही आप लोग भी करिए। लेकिन उस समय का पितृसत्तात्मक समाज और जो पुरुष होते थे उन्होंने रमाबाई के ऐसे कार्यों का विरोध किया। समय के साथ रमाबाई की संस्कृत में जो निपुणता थी वह बढ़ती गई और यह प्रसिद्धि भी प्राप्त करने लगी, जो कि यह प्रसिद्धि कलकत्ता तक पहुंच गई और वहां के पंडितों ने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। अब रमाबाई जब कलकत्ता जाती हैं तो वहां कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में शानदार व्याख्यान देती हैं जिसकी बहुत प्रशंसा हुई, और साथ ही 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा उनकी विभिन्न संस्कृत कृतियों के ज्ञान को मान्यता प्रदान करने के लिए पंडिता और सरस्वती उपाधियां प्रदान की गई। इसी के बाद उन्हें पंडिता रमाबाई सरस्वती कहा जाने लगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको बता दें कि पंडिता जो एक शब्द है यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब विद्वान या प्रबुद्ध होता है। प्राचीन भारत में किसी व्यक्ति द्वारा विशेष क्षेत्र जैसे मान लीजिए दर्शन शास्त्र हो गया, साहित्य या धर्म में उच्च स्तर की विद्वता हासिल करने पर यह प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की जाती थी। अगर आपने इतिहास का अध्ययन किया है तो प्राचीन इतिहास में जो ऋग्वैदिक काल आता है वहां पे आप अगर देखेंगे तो सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पे महिलाएं और पुरुष दोनों को ही शिक्षा और विभिन्न कर्मकांडों में भाग लेने का समान अधिकार था। तो उसी के टाइटल को जो है पंडिता जो है वहीं से लेकर के प्रदान किया गया रमाबाई जी को। 19वीं सदी में किसी महिला को यह उपाधि मिलना एक दुर्लभ सम्मान था जो कि पंडिता रमाबाई को मिला था, जो रमाबाई के विलक्षण शास्त्रीय उपलब्धि और बौद्धिक क्षमताओं को स्वीकार करती है कि उनके अंदर ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिसके कारण लोग पितृसत्तात्मक समाज में रूढ़िवादी समाज में लोग मजबूर हो गए कि उनको यह सम्मान देना चाहिए। रमाबाई को पंडिता उपाधि मिलना उस समय के परंपरागत लैंगिक भेदभाव वाली सोच पर करारा तमाचा था, जो यह सोचते थे कि महिलाओं को शिक्षा और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं है। अब चूंकि पूरा समाज तो ऐसा नहीं था कि पूरा हर एक व्यक्ति जो है रूढ़िवादी है, पितृसत्तात्मक है, ऐसा होता तो पंडिता रमाबाई के पिताजी भी ऐसे होते तो वो इनका भी बाल विवाह कर देते और इनको शिक्षा नहीं प्रदान करते। ऐसा तो था नहीं कि सारे लोग ही ऐसे हैं, लेकिन बहुसंख्यक ऐसी ही सोच थी उस समय पर। तो आगे रमाबाई अपनी उपाधि के माध्यम से जो उनको पंडिता उपाधि मिली अनेक महिलाओं को प्रभावित किया और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया, जिससे जो पितृसत्तात्मक समाज है उसको कठोर चोट लगी और रमाबाई का क्या किया गया, विरोध भी किया गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पंडिता रमाबाई को अपने प्रारंभिक जीवन में जो बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए और उन्हीं अनुभवों ने उनके जीवन की दशा जो है बनाई और उसको दिशा भी दी। यह अनुभव जो है कुछ इस प्रकार है। अब इनके जीवन में पिताजी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण था, अनंत शास्त्री जी, जिन्होंने रमाबाई अपने जीवन में जो भी कर पाई उसकी नींव उनके पिता ने ही रखी थी। पिता ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया, परिवार के साथ देश भ्रमण से विभिन्न संस्कृतियों और धर्म के बारे में पता चला रमाबाई को, जिससे इनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। संस्कृत भाषा की शिक्षा से प्राचीन धर्म ग्रंथों को समझने में
मदद मिली रमाबाई को, जिसका प्रयोग महिला सशक्तिकरण के लिए किया। साथ ही सार्वजनिक रूप से पुराणों की व्याख्या ने इनको प्रखर वक्ता के रूप में क्या किया, स्थापित किया। आगे कम उम्र में अनाथ हो गई, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार ने रमाबाई को अनुकूलनशीलता और लचीलापन सिखा दिया कि समाज में कैसे एडॉप्ट करना है और कैसे जो है अनुकूलन अपने आप को, भाई जहां भी जाती वहां लोग सुनाते कि तुम सामाजिक जो है परंपरा है उसका नष्ट कर रही हो, और अपने बेटी बेटों को समझाते कि इनसे दूर रहो, जैसा आज भी होता है ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनको अनुकूलनशीलता लचीलापन मिला। ठीक है, इसके इनके भाई जो थे उन्होंने भी, श्रीनिवास उनके भाई थे, उन्होंने पूर्ण सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया। साथ ही कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडिता की उपाधि मिलने से रमाबाई को आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, और कई समाज सुधारक उस समय के जो थे, जैसे केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद जी ने भी इनको सहयोग और प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उस समय पे भारत में जो है ऐसे प्रबुद्ध लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिला शिक्षा के लिए और बहुत सारी रूढ़ियों के विरोध के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे थे। तो उन कार्यक्रमों और उन लोगों ने भी पंडिता रमाबाई को प्रभावित किया, जो कि उनके जीवन को आगे जो है एक नई दिशा प्रदान किया। किंतु ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था। इसी दौरान प्रारंभिक जीवन में ही रमाबाई को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जैसे 19वीं सदी का समाज जो है लैंगिक रूप से पूर्वाग्रही था, जहां महिलाओं के लिए घरेलू कामकाज कठोर रूप से निर्धारित किए गए थे कि तुमको यही काम करना है। ऐसे में शिक्षा प्राप्त करते हुए रमाबाई को समाज और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का विरोध झेलना पड़ा। रमाबाई को ज्यादातर खराब स्वास्थ्य का भी सामना करना पड़ा था, जैसे मलेरिया आदि जैसे जो रोग हैं उनको हो जाते थे। तो खराब स्वास्थ्य में आप जानते हैं कि ना तो शिक्षा हो पाती है, ना तो कोई कार्यक्रम भी हो पाता है, जो भी आप समाज सुधार का कार्य करना चाहते हैं तो स्वस्थ रहना सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ ही में पिता का सहयोग तो था उनको शैक्षणिक कार्यों के लिए, शिक्षा लेने के लिए, लेकिन आगे जब है पिताजी और माताजी के मृत्यु हो जाने के बाद उनको शैक्षणिक जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं और अवसरों के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना है तो अब पैसा नहीं है तो उसको खरीदोगे कैसे, और समाज तो खुद ही विरोध कर रहा है। तो ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां थी, ये सब चुनौतियों ने ही उनके जीवन को आकार प्रदान किया। और सामाजिक दबाव अलग से झेलना पड़ा है कि पढ़ाई आदि छोड़ के परंपरागत महिलाओं के काम करें, जिन्हें रमाबाई ने क्या किया, नकार दिया। तो ये पंडिता रमाबाई के प्रारंभिक जीवन की कहानी थी। इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे रमाबाई को उनके पिताजी ने समर्थन प्रदान किया, जो कि उनके पिताजी थे बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के थे, जिसके कारण रमाबाई में ऐसे गुण विकसित हुए जो आगे चल के उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा के लिए कार्य किया, और जो भेदभाव है, जातिगत है, धार्मिक भेदभाव है, उसके खिलाफ भी उन्होंने बात की है। तो आगे इसी कड़ी को आगे चलाते हुए उनकी शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि पर भी बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की, क्या कार्य था उन संस्थाओं का, और आगे कैसे कैसे उन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किए। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।